दोस्तों, एलईडी बल्ब रिपेयरिंग में बहुत सारे फॉल्ट्स का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, लेकिन आज मैं आपको एक फॉल्ट का सॉल्यूशन देने वाला हूँ जिस पर आपको बहुत ही बारीकी से ऐसे किसी ने नहीं सिखाया होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर एक एलईडी बल्ब आप देख रहे हैं, ये कंपनी का ही है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। काफ़ी बार ब्लिंकिंग की जो प्रॉब्लम आती है उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है। देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम आया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले इसके ढक्कन को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर ऐसा ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करवाऊँ तो वोल्टेज भी हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हमें करना है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो तो आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। इसमें लाइट अभी आ रही है, देखिए। काफ़ी लोग बोलते कि यार आपने दिखाया नहीं, तो मैं यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ। वैसे सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए होल्डर को साइड पर रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से आप गला के इसको पिघला लीजिए और इस तरीके से गिर जाएगा, देखिए इस तरीके से। सोल्डरिंग आयरन 35 वाट से ऊपर का हो तो बेटर रहेगा। उससे ये रहेगा कि आपका ये जो सोल्डरिंग है मेटल जल्दी निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसको आपने बाहर निकालना है। किस तरीके से निकालना है, बहुत सारे टूल्स आते हैं, आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक नुकीला वाला इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर बनाया हुआ है। कॉर्नर से आप इस तरीके से थोड़ा इसको दबा लीजिए और देखिए थोड़ा सा स्पेस बना लेना है, हल्का सा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप स्पेस बनाएंगे। यहाँ पर ये निकल नहीं पा रहा है, एक काम और कर सकते हैं आप, एक भारी चीज़ ले लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके से आप पटकिए, ये आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर ये हिस्सा इसका निकल चुका है, बट किसी किसी में अंदर का हिस्सा भी निकल जाता है। देखिए यहाँ पर ये सर्किट इसका निकल चुका है। ओह, ये क्या, इसका सर्किट काफ़ी जला हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर इसका सर्किट जला है। एक ये कंपोनेंट है और एमओवी है और एक फ्यूज है, तीनों चीज़ इसकी जली हैं। इन तीनों के जलने के बावजूद भी मैं इस सर्किट को चला सकता हूँ, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस एमओवी को बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए देखिए एमओवी को बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सर्किट को इस हालात में भी मैं चला सकता हूँ। फिर मैं बताऊँगा ये किस तरीके से वर्क किया। इस फ्यूज़ और इस पीएफ को भी बाहर निकालूँगा जो जले हुए हैं। देखिए इन तीनों कंपोनेंट्स को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैं सर्किट को तैयार करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बल्ब रख लिया है मैंने और इसके ऊपर मैं 100 वाट का बल्ब लगा लूँगा। एक सीरीज बना के मैंने तैयार कर ली है, देखिए ये हमारा सीरीज बल्ब बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इस एलईडी बल्ब को जलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एलईडी बल्ब हमारा चल पड़ा, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे अभी एलईडी बल्ब हमारा चल के रेडी है बिल्कुल। अभी कैसे संभव हुआ मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इसको सेट करके उतार देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो एमओवी है ये सर्किट पे पैरेलल पे लगता है, पैरेलल बोले तो डायरेक्ट लाइव और न्यूट्रल वायर पे लगता है। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो इसकी वजह से फ्यूज भी ख़राब होता है और बीच में पीएफ भी था वो भी फट गया इसकी वजह से। मैं आपको एमओवी दिखाता हूँ। देखिए एमओवी की दो लेग हैं, इस तरीके से एमओवी को टेस्ट किया जाता है। देखिए जो ख़राब एमओवी होता है वो कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर दिखाता है और जो बिल्कुल सही एमओवी होता है वो कोई भी वैल्यू नहीं दिखाता है। मैं आपको सही वाला एमओवी दिखाऊंगा, काफ़ी सारे एमओवी हैं मेरे पास। देखिए ये कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा, यही पहचान होती है हमारे एमओवी की। एमओवी बोलो तो मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, ये एक प्रोटेक्शन के तौर पे सर्किट पे लगाया जाता है। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए मैं उस वीडियो को सजेस्ट करूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये एमओवी हाफ शॉर्ट है, कोई कोई एमओवी बिल्कुल फुल शॉर्ट होते हैं जिनमें चेक करने पर इस तरीके से बीप सुनाई देती, बट ये हाफ शॉर्ट है तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, लगभग 178-169 ओम्स की समथिंग दे रहा है, लेकिन जो सही है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आती है। तो एमओवी को हम चेंज कर लेंगे। एमओवी आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप
वायर को आप डायोड के दोनों पॉइंट्स पे जोड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट वायर को डायोड के पॉइंट्स पे जोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप प्रोटेक्शन के तौर पे फ्यूज और एमओवी को जरूर लगाएं। मैं यहाँ पर जल्दी से एमओवी वाले पॉइंट पे लगा लेता हूँ। और यहाँ पर आपके पास पीएफ नहीं है तो कोई बात नहीं, पीएफ नहीं है तो मत डालिए, अगर है तो डाल दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो एमओवी और फ्यूज को लगाना मत भूलिए प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप चाहते हैं आपका सर्किट बार बार ख़राब होकर दोबारा से रिपेयर हो जाए तो एमओवी और फ्यूज को हमेशा डाल दीजिए। ये छोटे छोटे फॉल्ट्स को हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसका सॉल्यूशन भी आपको देते रहता हूँ। चलिए एमओवी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, यानी कि लग चुका है, और यहाँ पर हम फ्यूज़ को लगाएंगे। फ्यूज़ जो लगेगा इस तरीके से यहाँ पर लगना है। फ्यूज़ की वैल्यू बताता हूँ आपको। फ्यूज बोलते तो फ्यूज के तौर पे एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है जो बिल्कुल फ्यूज की तरह वैल्यू देती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्यूज रेजिस्टेंस कितने ओम्स की आपने लगानी है। काफ़ी लोग पूछते हैं फ्यूज रेजिस्टेंस कितने ओम्स की हम लगाएं, तो आप देख सकते हैं कितने ओम्स की हमें लगानी होगी। तो यहाँ पर जो फ्यूज रेजिस्टेंस है वो थोड़ी सी खुरदुरी होती है और इसकी जो वैल्यू होती है लगभग ये है हमारी 10 ओम्स की। तो आपके पास 10 ओम्स की हो तो लगा लीजिए, उससे कम की हो लगा लीजिए, लगभग 40-50 ओम्स तक की होनी चाहिए 1 वाट में, तब जाके आपके सर्किट को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएगी, वरना वो एन मौके पर उड़ेगी नहीं और सर्किट में कोई और चीज़ जल सकती है। जो फ्यूज है यहाँ पर फ्यूज वाले जगह पे जहाँ पर आपने उसको निकाला उस जगह पे इसको सोल्डिंग मार दीजिए इस तरीके से। पर देख सकते हैं मैंने फ्यूज को इस तरीके से लगा लिया है। देखिए फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है, फ्यूज का निशान दिया हुआ है, और यहाँ पर भी आप एक और फ्यूज लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पर एक ही फ्यूज में लगाऊंगा। और इस टाइप का जो पीएफ है अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये 305 वोल्ट का पीएफ है और 683 के इसमें लिखा हुआ है, 305 वोल्ट और 683 के इसमें लिखा हुआ है। अगर आपके पास है तो लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। देखिए अब हम जो वायर कनेक्ट करेंगे एक यहाँ पर और एक जस्ट यहाँ पर करेंगे, टोटल मिला के फ्यूज के माध्यम से यहाँ पे जो फ्यूज लगा है उसके माध्यम से इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आएगा, और उसके बाद यहाँ पर इस कॉइल के द्वारा यहाँ पर कॉइल के द्वारा सर्किट पूरा होगा, इस डायोड पे आ जाएगा डायोड, फिर एसी को डीसी बना के यहाँ पर ये उसके बाद ये आउटपुट करेगा। देखिए फ्यूज के द्वारा यहाँ से आ रहा है कॉइल पे यहाँ पर, और यहाँ से डायरेक्ट हम दे देंगे इधर पे। मैं आपको चेक करवा के एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, बस एलईडी बल्ब का जो ये जो फॉल्ट है वो आसानी से रिपेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक अलग से वायर को लगा के मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। देखिए वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, यानी कि सोल्डिंग मार देता हूँ और उसको मैं फिट कर लूँगा। बहुत ही आसान है फिट करना, आप अगर सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सीख सकते हो, वो भी मैं आपको सिखा दूँगा। देखिए वायर कनेक्ट कर ली है और यहाँ पर देखिएगा, देखिए इसमें इसको मैं फंसा लेता हूँ। देखिए इस तरीके से थोड़ा सही से इसको फंसा लूँ। देखिए फिट हो चुका है, एक वायर का टुकड़ा अंदर फंसा हुआ है, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा। फाइनली निकल चुका है। इन होल्स को अगर चौड़ा नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पर इस तरीके से लगाना है इसे, और लगभग मैं इतना इतना कट कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 1 सेकेंड इतना सा इसको कट कर लूँगा, और इसको भी इतना सा कट करके थोड़ा सा छील लूँगा 1 सेकेंड। ये देख लीजिए अब यहाँ पर हम जस्ट जहाँ पर होल है ना, बिल्कुल इस तरीके से आपने
फंसाना है इसे, यहाँ पर ये निकल गया, दूसरा वाला नहीं निकला, उसको हम सीधा करके फंसाएंगे बहुत ही ध्यान से। देखिए आसानी से लग जाता है वो, आप ध्यान से कीजिएगा, वो आसानी से लग जाता है। एक सेकेंड, एक दो बारी आप कोशिश करके उसको लगा सकते हैं। देखिए फाइनल ये लग चुका है, यहाँ पर दोनों वायर हमारी आ चुकी हैं, उन्हें हम सोल्डरिंग कर लेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये और ये, जो मटेरियल हमारा ऑलरेडी यहाँ पर वेस्ट था उसी को हमने दोबारा से इस्तेमाल करना है, ये दोबारा से इस्तेमाल में आ जाता है। देखिए ये दोबारा से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए आई का शेप इसमें देना है, यानी कि आंख टाइप का इसको बनाना है। उसी बेस्ट मटेरियल को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो चलिए ये हमारा काम हो चुका है, इसको हम पैक कर लेते हैं। एक बार मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाना भी चाहूँगा। चलिए इसे पावर ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी बल्ब बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जल रहा है। भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा।